अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं आलू टिक्की, जो बच्चों बड़ों सबको पसंद आती है। हम इसमें बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट लगेंगे हम वो देखेंगे। चलिए, हमने लिया है आलू 3 लार्ज साइज, इसको उबाल लिया है। चावल का आटा 3 चम्मच, 1 हरी मिर्च, पुदीना और कोथमीर, नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 लेमन, 1 चम्मच काला नमक और ऑयल। आलू को हमने मैश कर लिया है। इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, कोथमीर और पुदीना। इसमें हम ये लाल मिर्च 1 चम्मच और काला नमक डाल देंगे। इसमें ये 1/2 लेमन, इसको और चावल का आटा और नमक। अच्छे से मिला लेंगे, हाथ को अच्छे से धोएंगे और फिर इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, हमने इसको मिला लिया है। अब इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसको रख दिया था। अब हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। हम हाथ में ऐसा ऑयल लगा लेंगे ताकि ये ऐसा चिपके नहीं। तो इसको इस तरह करके हम ऐसा बना लेंगे। टिकिया हमने बना ली है। जब तक हम टिकिया बना रहे थे तो मैंने गैस पर तेल गरम होने के लिए रख दिया था। तेल गरम हो गया है, हम इस तरह देखेंगे तेल गरम हो गया है कि नहीं। तेल हमारा गरम हो गया है। अब इसमें हम पर हम अपने अपने टिक्किया डालेंगे। हम इसको लो फ्लेम पर ही डालेंगे क्योंकि हमने इसमें चावल का आटा मिलाया है। टिक्किया में हम पोहा सूजी भी डालकर बना सकते हैं, लेकिन आज हम मैंने इसको चावल के आटे के साथ बनाया है। आप चाहे तो इसमें रेड चिली या ग्रीन चिली कोई एक ही डाल सकते हैं। हमें थोड़ा स्पाइसी चाहिए था तो हमने दोनों डाला है। देखिए, एक साइड से ये फ्राई हो चुका है। देखिए कितना अच्छा और ब्राउन कलर आया है। अब हम इसको दूसरे साइड से लो फ्लेम पर इस तरह ही ब्राउन होने के लिए, अंदर से अच्छा पकने के लिए रख देंगे। देखिए, पीछे से भी ये अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। देखिए, ये हमारे आलू टिक्की तैयार है और देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। आप इसको टमाटो सॉस, हरी चटनी, पुदीना चटनी, इमली चटनी किसके साथ भी सर्व कर सकते हैं।